नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको फिर से अपनी क्यारी में लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसों मैं प्याज के पौधे लाई थी, लगा रही थी, तो उस दिन शाम तक तो मैंने उस दिन लगाए और उसके बाद फिर रात को बारिश हो गई तो कुछ ही लग पाए थे। तो अब बाकी के मैं अब लगा रही हूँ। अब थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है तो मैंने सोचा आज लगा देती हूँ, क्योंकि प्याज के पौधे सब ये पीले होने लग गए हैं। ये देखिए, पीली हो गई हैं पौधे। जो भी काम की होंगी लगा दूँगी। और ये जो मेरे घर के अंदर जो प्याज अंकुरित हुई थी, इन्हें भी लगा दूँगी। तो देखिए, मैं प्याज लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी और छूटी हैं अभी प्याज की पौधे मेरी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी क्यारी पूरी हो गई है और ये जो मेरे घर में अंदर अंकुरित प्याज थी वो मैंने लगा दी है। और अभी भी ये एक मुट्ठी बची है जो कि मैं जहाँ पर मैंने पुरानी प्याज उधर लगाई है वहाँ लगाऊंगी। और आज मैं आपको आलू की हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मेरी मम्मी कह रही है कि मैं कट्टा लेके आती हूँ, तब तक खनो, निकालो आलू। तो देखते हैं कितनी सब्जी मिलेगी आज हमें। देखिए, मेहनत का फल कितना मिलता है देखना पड़ेगा। ये देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया आलू। फिर देखो, मेरी सासू माँ कह रही हैं आलू की सब्जी खाएंगे हम आज, अपने घर के आलू, पालक और आलू की सब्जी खानी है आज उनको। तो बस इतना ही है इसमें। तो चलो अब आगे के प्लांट में जाते हैं, क्योंकि ये पौधे मैंने जैसा आपको दिखाया था पहले ही जल गए थे, तो अब मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर आलू हैं और कहाँ पर नहीं हैं। तो इसलिए खुदाई करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। ना, अभी उधर नहीं खुदाई जा। देखिए, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए आलू। इतने छोटे छोटे से आलू। और ये देखिए, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं, ये देखो, बता भी नहीं सकती हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है इस समय। और कल्पना दी, आपने पूछा था आलू खोद लिए, तो देखिए आज मैं आलू खोद रही हूँ और बहुत अच्छे आलू हो रहे हैं। ये देखिए, आज तो आलू की सब्ज़ी खाएंगे भाई, घर के आलू की सब्ज़ी, स्वादिष्ट। तो अब इसमें शायद कुछ नहीं है, चलते हैं आगे वाले साइड में। हाँ, पूरी मेड पे लगाए हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा पौधा है तो दिख रहा है। अच्छे से हुए नहीं, क्योंकि खाद पानी और मेहनत तो ज़्यादा मिली नहीं इनको, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा है, जो है मैं उसी में बहुत संतुष्ट हूँ। बस ये देखिए, इस वाले पौधे ने निराश कर दिया है, इसमें सिर्फ ये दो छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ नहीं से कुछ सही, क्योंकि ठीक से हो नहीं पाए ना, खाद भी नहीं मिली। और अगर इनको अच्छी इनकी केयर की जाती तो शायद ये अच्छे होते। अब इतने छोटे छोटे आलू, ये बड़े तो होते ही अगर इनको मेहनत थोड़ी सी और मिलती तो मेरी, बट मेरे को टाइम नहीं था, इस वजह से आलू को भी उगने का टाइम नहीं मिल पाया ठीक से। मैं तो शायद कुछ भी नहीं है। ये देखिए, घास इतनी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले खोद लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है इस तरीके से एक हाथ से काम करने में। मैं पहले पूरे आलू खोदती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अभी तक कितने आलू मेरे हो चुके हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि ठंड, वाओ। ये देखिए आलू, इस वाले पौधे में अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखिए, ये आलू है अभी। अरे इसमें तो बहुत सारे हैं। ये देखिए और है अभी। तो
कट गया। चलिए कोई नहीं, इसमें इतना ही था। कल की बारिश की वजह से फ्रेंड्स मौसम बहुत ठंडा हो गया है और मुझे भी ठंड ही लग रही है क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये मिट्टी एकदम जाम हो चुकी है, जाम। बहुत पत्थर होते हुए थे जब मैंने यहाँ पे खुदाई करी थी, बहुत पत्थर थे दोस्तों। बड़ी मैडम आ गई है निरीक्षण करने के लिए। अच्छा, वीडियो बना रहे हो? हाँ, बढ़िया लग रहा है। क्या बोल रहे हो, किनारे क्या प्याज लगा रहे हो? आलू खोद रही हूँ अभी तो। कितने निकले? ट्रक लगता है, कार जरूरत पड़ेगी आपकी। हाँ, मंडी ले जाने के लिए। मेरी सासू माँ खड़ी है कि बोरी भरेंगे और आप भैया कार दे देना जरा सा, मंडी ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी। और क्या, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ मटर लगाई थी, आपको बताया था पहले भी वीडियो में, तो ये मटर मेरी हो गई है, अच्छे दाने इनमें हो रहे हैं। देखिए ये देखिए, तो चलो पूरी सब्जी तैयार है भाई, आलू मटर। और देखिए अभी तो बहुत थक चुकी हूँ मैं, मटर यहाँ लगी है ऊपर, तोड़ लेती हूँ। बहुत अच्छी जो है आपका ये मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। ये देखिए, मटर से भरी, दानों से भरी मेरी मटर। देखिए कितनी सुंदर इसमें मटर लगी है, देखिए बहुत सारी गुच्छे गुच्छे हो रहे हैं पूरे मटर के। वाओ, फर्स्ट टाइम मैंने ये नज़ारा देखा। ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी मटर हैं, ये देखिए। चलो एक एक करके तोड़ती हूँ क्योंकि अब यहाँ पर कोशिश करूँगी कुछ और लगाने की। एक हाथ से तोड़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। पर मटर यहाँ पर हो ही रही है। चलिए, बहुत अच्छा आज का मुझे, देखिए दाने इतने अच्छे भरे हुए हैं इसमें। ये देखिए दानों से भरी हुई है पूरी मटर। एक हाथ से टूट भी निकली है। देखिए कई तो मुझे दिख भी नहीं रही है। इसे अभी रहने दूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी मटर लगी है और इसे उखाड़ने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये मटर जो है अच्छी हो रही है, बहुत दानेदार। तो हो सकता है कुछ दिनों में इसमें, देखिए मटर ही मटर लगी हैं पर ये जो है इनमें अभी दाने बने नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको, ये देखिए मैं अभी छोड़ रही हूँ।
शायद कुछ दिनों में मटर इसमें आ जाए। देखिए घास से बिल्कुल ऐसा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि करने का वक्त ही नहीं है काम, एक बार में क्या क्या करूँ। देखिए अभी यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने पूरे किनारे किनारे मटर लगा दी थी, ये देखिए मटर अभी हो ही रही है, ये देखिए। तो इनके लिए तो मैं अभी थोड़ा इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मटर के दाने अभी हुए नहीं हैं इनमें, और जो थोड़े बहुत हुए भी हैं तो अभी नहीं तोड़ूँगी, बाद में ही तोड़ूँगी एक साथ। देखिए दोस्तों आलू तो बहुत बढ़िया जो है मेरे हुए हैं, मेरी कुदाली से कई आलू जो हैं टूट जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे हल्का ही खोदना पड़ रहा है। देखिए वाओ गुड साइज आलू, हाँ जी हाँ बेटा, आज तो ठंड से हालत ख़राब है, देखो आलू कितने अच्छे निकल रहे हैं बेटा। अरे वाह, कुछ पौधों ने तो बहुत अच्छी जो है ग्रोथ करी है, और जितने अच्छे आलू भी निकले हैं मेरे, देखिए भी और नीचे ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स अब एक आलू से अगर इतने आलू मिल रहे हैं तो क्या खराबी है, कुछ भी नहीं। बड़ी सावधानी से मुझे जो है आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इधर लहसुन और इधर मैंने अभी प्याज लगाई है। वाह कितनी खुशी होती है दोस्तों कि जब हम इस तरह से अपनी मेहनत का फल जो, अरे वाह इधर देखिए मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है जी, क्या बात है ये देखिए, मैं तो कहीं मुझे लग रहा है कहीं पागल ना हो जाऊं क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे जब मैंने पिछली बार आलू अपने पुराने प्लॉट में लगाए थे अपने वाले में, तो वहाँ मुझे ऐसा रिजल्ट, वैसे रिजल्ट मिलता है दोस्तों लेकिन वहाँ पे ना बंदरों ने आलू मेरे खा लिए थे। अब यहाँ पे क्योंकि घर के बगल में है तो इसलिए हम थोड़ा देखभाल कर ही लेते हैं कभी कभार। और ये देखिए ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से साइज़ देखिए, चलिए इनको ऐसे ही डाल देते हैं। और बहरहाल देखिए कितने अच्छे मेरे आलू जो हैं, ओहो हाथ से फ़ोन भी फिसल रहा है दोस्तों क्योंकि बहुत कंजेस्टेड जगह में मैं बैठी हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आगे और तोड़ती हूँ, इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, आलू तो काफ़ी हैं बट आलू में ग्रोथ नहीं हुई। ये और किसी आलू में इतनी अच्छी, किसी मतलब पूरी एक सब्जी तैयार है वाली सब्जी ये बात, और किसी में ग्रोथ सही नहीं हुई है। ये देखिए अगर पाला नहीं पड़ता ना दोस्तों तो शायद इस बार मेरे आलू बहुत अच्छे होते, और अभी भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये देखिए मतलब मैं बहुत डर डर के खोद रही हूँ क्योंकि कहीं आलू बर्बाद ना हो जाएं, ये इतने छोटे छोटे आलू, बहुत छोटे छोटे आलू, ये देखिए मुझे तो लाल सा बढ़ रही है कि कहीं और तो नहीं है इसके अंदर, और तो नहीं है, तो मैं खोदे जा रही हूँ। अरे वाह सच में है भाई, ये देखिए ढूंढने से भगवान मिलता है ना कहते हैं, तो ढूंढने से आलू भी मिल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया।
ये देखिए दोस्तों, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक, क्योंकि मैं मेड़ में हूँ और मेड़ में एक तरफ लहसुन और दूसरी तरफ मैंने अभी प्याज के पौधे लगाए हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से आलू पत्ते न होने के कारण मुझे फ्रेंड्स दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कहाँ पर आलू होंगे और कहाँ पर नहीं, क्योंकि तो पत्ते पूरे गल चुके थे और तो मैंने जो घर की प्याज थी अंकुरित वाली वो लगा दी। ओह माय गॉड, वाओ, इसमें बहुत आराम से खुल गई। इस प्लांट से इतने ही आलू मिले और बढ़ते हैं आगे आगे को। फ्रेंड्स कभी खेती बाड़ी कभी करी नहीं, बस हाँ फूलों का शौक बचपन से रहा है, तो फ्लावर्स तो मैंने कई बार उगाए हैं गमलों में और अपने क्यारियों में, बट इस तरीके से आलू या कोई भी चीज़ लहसुन प्याज ऐसे खेत में उगाने की कोई ऐसा कभी समय ही नहीं आया कि उगाना पड़ता तो या उगाती मैं, तो आज अगर मौका मिला है तो देखिए धरती सोना उगल रही है। अरे वाह, देखिए सच में धरती सोना ही उगल रही है भाई। ये देखिए ना जाने क्या है ये पुराना, कोई छोड़िए मैं अपने आलुओं पर ध्यान देती हूँ भाई। मुझे तो ये शायद वो इधर भी है भाई, एक मिनट, यहाँ पर आलू है, ये देखिए ये बहुत नीचे नीचे तक आलू है। तो फ्रेंड्स बहुत थक गई हूँ दिन से, शाम हो गई है मेरे ख्याल से शायद 5:30 या 6 बजने वाले होंगे, 6 बजने वाले, और हवा इतनी चल रही है ठंड और थकान से मेरी हालत ख़राब है। अब देखिए मेरा टी ब्रेक अब चल रहा है और हाथ देखिए, मैं एक किसान हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ, आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं ये देखिए किसानी कर रही हूँ। देखिए क्या मेरी खेती लहलहा रही है, धनिया देखो, प्याज देखो, मूली देखो और आलू देखो जो कि अभी आधे ही हैं, मटर देखिए, और अभी टी ब्रेक चल रहा है, मैं चाय के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे आलू कम से कम 5-6 किलो तो होंगे ना। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।